कभी लड़के कभी, अब लड़कों ने चलो कसम निकाल दी, आज लड़की भी पहन आई। सर आप देखे तो सही, आज इंडिया ने मैच कैसे निकाला है, सोचे जनवन कैसे निकला है मैच, आप देखिए तो सही, मतलब दिल जीत लिए हैं, जज्बात जीत लिए हैं, सब जीत लिया है इंडिया ने। तो अब हम ये भी ना करें, इतना स्पोर्ट तो बनता है ना, लगान वाला बदला भी ले लिया इंडिया ने गौरव से, ठीक है, और जीत भी गया, नाम भी हो गया और काम भी हो गया। इंडिया आपको पता ही है, यानी कि एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई आज, जैसे इंडिया लगातार मैचेस पे मैच जीता जा रहा है और मुझे तो लगता है कि 9 के 9 मैच जीत जाएगा। देखे ना पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में आगे तो कोई बड़ी टीम भी नहीं है, इंग्लैंड एक बड़ी टीम थी, यानी कि चैंपियन थी लास्ट वर्ल्ड कप की, आज उसको भी इंडिया ने बता दिया भाई जान हम वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, हमसे जरा संभल के खेलना, और वाकई ही उन्होंने ठोका उसको आज, और ऐसा ठोका अब इंग्लैंड को समझ नहीं आ रही क्या मतलब। सर बॉलिंग मैं कहता हूँ, फील्डिंग देखें, बॉलिंग तो साथ चलती रही है ना, बुमराह का बॉल ऐसे स्विंग कर रहा था ऐसे, और जो शमी का बॉल था यार ऐसे अंदर गया पूरा, फुल टाइम उसने पूरा जोर लगा के बॉल स्विंग किया और अंदर उसकी विकेट लेनी है, ये होती है बेस्ट बॉलिंग। जय दोस्तों, जय श्री राम भाई। अब मैच हो रहा था भाई भारत और इंग्लैंड का, और सूजी कहीं और थी आज भाई साहब, आज जो मैच असली मैच था वाकई में भारत की गेंदबाजी के लिए मैच था। जो तूने पराए बच्चे पकड़े हुए थे वो भी फेल, तेरे लड़के है कौन थे ये तो बता, अब तू किसको पालेगा, किसको पोसेगा, किसको प्यार करेगा पूरे वर्ल्ड कप में, तेरी तो दुनिया वीरान कर दी आज। हम तो कोशिश कर रहे थे, थोड़ी सी बेचैनी फैला के रखी थी कि तेरे लड़के कुछ कर लेंगे या लॉकडाउन का एल लेने से बच जाएंगे, मगर नसीब में लगा हुआ था शामी का एल इनके दिया, उसने एल पूरा ढाल के वैसा घुमाया, मतलब इसके बाद तो मैं जय और वीरू की जोड़ी है लखनऊ का वो ग्राउंड है, मैं आपको याद दिला दूं कि जहां पहली मर्तबा सीढ़ियों पे बैठ के विराट कोहली और रोहित शर्मा की वो फुटेज दिखाई देती है, आज से साल भर पहले एक मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां पर लोगों ने वो रूहानी मंदिर देखा, लोगों के जहनों में ये चल रहा था, और विराट ने शामी वाली विकेट को सेलिब्रेट किया जिस तरह दौड़ के मिले हैं, हेटर्स रेस्ट इन पीस, डूब के मर जाओगे यार, तो जो इन दोनों को लड़ाना बेटा, ये दो है तो तुम्हारी टीम इंडिया है, ये बुमराह विकेट ले रहा है, ये शामी विकेट जो शामी बैंक था वो विकेट ले रहा है, ये कुलदीप जिसको कितना अरसा मैन ऑफ द मैच बन के बैठा रहा। तो बेटा जी ये रोहित है, जब भी रोहित की आती है चाहे वो इंग्लैंड में हो 100 आयो, इंडिया वो टेस्ट मैच जीतता है, बांग्लादेश के खिलाफ हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, जहां इंग्लैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जिंदा रोहित शर्मा ऊपर से, आपको बार बार कहा था वर्ल्ड कप शुरू, कोई माई का लाल, मेरा ओपन चैलेंज है, कोई माई का लाल यूट्यूबरिया या कोई जर्नलिस्ट या कोई लेजेंड दिखा दे जिसने कहा हो कोई किसको पिक कर रहा है, किसको पिक कर रहा है, आपसे कहा था ये आपके अनमोल रतन, ये वर्ल्ड कप कोई दिल को लेके जा रहा है, कोई पता नहीं किसको ले जा रहा है, कोई किसको ले जा रहा है, आपको बोला था ये है आज का भी देखो क्या क्या कमाल था, क्या धमाल था। और मेरे ख्याल से जितने भी आज लोग, आज जिन्होंने इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी होगी, दे विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड, और वो इंडिया का फैन जो मेरी एज ग्रुप का है उसके लिए तो ये ड्रीम है, क्योंकि इंडिया ने बैटर तो बहुत देखे लेकिन इस वक्त जो करंटली इंडिया की फास्ट बॉलिंग या पेस बॉलिंग अटैक है, दैट इज नेक्स्ट टू नन, दे आर टू गुड, दे आर टू लीथल, दे आर टू होस्टाइल। Ali, this is how a team that is dominating this way in the World Cup should have done. ये कहते हैं ना scoreboard का pressure नहीं होता दूसरी team के ऊपर, तो फिर आप दूसरी किस्म का pressure डालते हैं. That pressure was seen in the bowling, that pressure was seen in the fielding. आपने fielding से, आपने bowling से, आपने captaincy से जो आपने pressure डाला एक एक wicket पे, जिस तरह senior players, क्या हुआ विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं, फील्ड में जितनी एनर्जी और जितना पंप अप करके विराट कोहली ने पूरी टीम को रखा, आप एक जगह कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आपके पास दूसरी जगह होती है कंट्रीब्यूट करने की, आप वहां कंट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। यू टॉक अबाउट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, दिस वाज वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, कि आपने कांपे टंगवा दी, नहीं टांगे कपवा दी इंग्लैंड की, जिस तरह इस वक्त इंग्लैंड के बैटर्स जो है वो फंसे हुए थे, लग ऐसा रहा था ओहो भाई जल्दी आउट कर दिया है टीम इंडिया को, इंग्लैंड जो है ना यहां से इंग्लैंड कमबैक करेगी टीम इंडिया को हरा के और इस वर्ल्ड कप का पहला मैच हरा देगी, मगर नहीं, दे सेड नो प्रॉब्लम, अगर तो टारगेट कम है, अगर तो टोटल कम है तो हम अब और प्रेशर डालेंगे, और ज्यादा एनर्जी डालेंगे और इतना प्रेशर डालेंगे कि वो जो बैटर है जब वो क्रीज पे आके खड़ा हो तो उसको ये पता चले कि वो 11 प्लेयर्स के ऑपोजिट खड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक बॉलर को फेस नहीं कर रहा है। ये क्या यार, वैसे आज इन्होंने 230 पे आपकी टीम ने, क्योंकि आपने इंडियन शेड्यूल में तो आपकी टीम ही कहूंगा ना, आपकी टीम ने 230 नहीं करने दिए इंग्लैंड को यार। देख लो आप, देख लो हमारी बैटिंग नहीं चली, कोई मसला नहीं, बॉलिंग है ना,
मैं हूँ ना, शामी कहता मैं हूँ ना, उधर जसप्रीत आया कहता मैं हूँ ना, बस उन्होंने संभाल लिया, उन्होंने टिकने नहीं दिया, जीरो पे आउट, बेन स्टॉक जीरो जीरो जीरो, सब जीरो जीरो पे जा रहे हैं। ये होता है, ये होता है असली मैच, मजा आया भाई, वन साइडेड हमने करना ही करना था, चलो बैटिंग नहीं चली तो बॉलिंग ने वन साइडेड कर दिया। यार अनबीटेबल हो गए आप, 6 मैच लगातार जीतने, यही तो होना था, लेकिन पाकिस्तान में रह के यार इंडियन टीम के स्पोर्ट, वो भी इंडियन वेयर पहनी शर्ट पहनी, कोई डर को खौफ है लड़की हुआ, किस चीज का डर, किस चीज का खौफ, लेके खाते हैं किसी से भाई, सपोर्ट करते हैं विराट को, सपोर्ट करते हैं, जीरो पे आउट हो गया कोई बात नहीं, विराट फिर भी दिल है जान है, विराट विराट है, विराट से आगे कुछ नहीं है, विराट आपके जल्दी चले, और वो तो जीरो पे आउट हो गए, कोई गल नहीं यार, फिर क्यों यार, कभी कभी होता रहता है, वो चाहते हैं कि मैं जरा अपने लेजेंड को थोड़ा और टाइम दूं, वो इसलिए सेंचुरी को जरा ना, लोग कहते हैं पाकिस्तानी कंजेस्टेड माइंडेड है, वो तो अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने नहीं देते, और इंडिया इतनी नफरत है, इंडिया का कल्चर नहीं, ड्रामे नहीं देखने देते, आप इंडियन शर्ट पहन के देखे देखे भाई, सारे सबके मुंह पे चपेड़ है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो हिटमैन ने हिटिंग की है ना, मजा आया उनका बेहतरीन बैटिंग, मजा आ गया आज इंडिया के मैच देखे, वाकई ही वन ऑफ द बेस्ट टीम, इसलिए इंडिया को नहीं कहा जा रहा पूरे, क्योंकि ये वाकई ही वन ऑफ द बेस्ट टीम है। अब बात करें अभी तक इंडिया के, तकरीबन 6 मैच इंडिया खेल चुका है और 6 के 6 मैच जीत चुका है, ख्याल से अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं मेरे ख्याल में नजर आ रही, और बल्कि है ही नहीं जो अभी तक कोई मैच ना हारी हो। सर देखें इंडिया आपको पता ही है, यानी कि एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई आज, जैसे इंडिया लगातार मैचेस पे मैच जीता जा रहा है, और मुझे तो लगता है कि ये 9 के 9 मैच जीत जाएगा, देखें ना पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में आगे तो कोई बड़ी टीम भी नहीं है, इंग्लैंड एक बड़ी टीम थी, यानी कि चैंपियन थी लास्ट वर्ल्ड कप की, आज उसको भी इंडिया ने बता दिया भाई जान हम वर्ल्ड कप जीतने आए, हमसे तरह संभल के खेलना, और वाकई ही उन्होंने ठोका उसको आज, और ऐसा ठोका अब इंग्लैंड को समझ नहीं आ रही क्या। सर बॉलिंग मैं कहता हूँ, फील्डिंग देखें, बॉलिंग तो साथ चलती रही है ना, बुमराह का बॉल ऐसे स्विंग कर रहा था ऐसे, और जो शामी का बॉल था यार ऐसे अंदर गया पूरा, फुल टाइम उसने पूरा जोर लगा के बॉल स्विंग किया, और अंदर उसकी विकेट लेनी है, ये होती है बेस्ट बॉलिंग। हम दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई जो दिलचस्प मैच था, यानी कि भाई आज मैं बताऊं जो भारत की गेंदबाजी चल रही थी उस गेंदबाजी में ऐसे टीवी पे भाई आंखें और मोबाइल पे हॉटस्टार ऐप में ऐसे आंखें गड़ा के बैठते, ये नहीं पता भाई साहब मैं कह रहा अगर पानी पीने भी जाए बंदा इतनी देर में तो विकेट पड़ी पा रही थी, ऐसा हाल आज जो है इंग्लैंड का अंग्रेजों का पीट पीट के कूट कूट के कर दिया था, यानी कि जो लगान था ना जो आज लगान था आज पूरा का पूरा इंग्लैंड से वसूला गया था, यानी कि देखिए यार वो एक यूएई में हुई थी ना पाकिस्तान के साथ फाइनल था उनका, कौन सी थी वो, वहां की विजेता 2000 पिछला वर्ल्ड कप है उसकी विजेता, और नंबर 10 की विजेता, नंबर 10 पे जो अभी पायदान पे बैठी हुई वहां पे बड़ी मुश्किल होता है वहां पर रहना, उस टीम को पीट दिया है भारत ने। देखिए आज जिस हिसाब से भी भारत टारगेट देने के लिए उतरा था, अनफॉर्चुनेटली कोहली साहब ने स्कोर नहीं किया था, तो भारत की भाई जल्दी जल्दी विकेट गिर गई थी, और कहीं ना कहीं कोहली की विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा ने जो मैच संभाला था, केएल राहुल ने थोड़ी ही पार्टनरशिप दी थी, तो जो उसका अंत था 230 काफ़ी अच्छा स्कोर, यानी कि लड़ने के लिए खड़ा कर दिया था, और भाई जो उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना जो जलवा दिखा दिया ना, जो उंगली फेर दिया भाई, जो बुम बुम बुमराह ने 2 विकेट लेकर, उसके बाद तुरंत जो समी ने और उसके बाद फिर कुलदीप ने जो विकेटें निकाल दी थी ना, जो दबाव आ चुका था, तो उसके बाद भारत की जोली में वहां से मैच आ चुका था, और अब डेफिनेटली वर्ल्ड कप भी भाई आ चुका है, क्योंकि जो भाई 58-59 टीमें थी वो जा चुकी हैं बाहर, अब बचे हैं महामुकाबले, और भारत सेमीफाइनल में जो है जा चुका है। आप लोग कह रहे हैं जय श्री राम।